नाजरीन ग्रामी आज की वीडियो में बात करेंगे कि शाम होते ही पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में घुमसान की जंग। पाकिस्तान ने भारत पर क़यामत बरपा कर दी। पाकिस्तान ने नज़र ना आने वाले तुर्किश ब्लैक हॉर्नेट हथियार से भारत के बॉर्डर के इलाके कैप्चर कर लिए। ब्लैक हॉर्नेट के ज़रिए चुन चुन कर भारतीय चौकियों और आर्मी को निशाना बना दिया। भारत तुर्की के खिलाफ आग बगोला हो गया। पाकिस्तान और तुर्की ने तबाही मचा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप तुर्की से और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर आमने सामने आ गए। पाकिस्तान ने तुर्किश ब्लैक हॉर्नेट मिनी से भारत के फौजियों को बॉर्डर पर चुन चुन कर निशाना बनाया। दोस्तों, यहाँ पहले आपको बताता चलूँ कि ब्लैक हॉर्नेट क्या है और ये कैसे काम करता है। नाजरीन ग्रामी, नैनो यूएवी जो निगरानी और इंटेलिजेंस मकासद के लिए खुली और बंद जगहों पर ये हथियार काम कर सकता है। इसके अलावा ये हवा में रहने के लिए कम से कम 25 मिनट तक रह सकता है और इसमें हकीकी तौर पर उस वक्त की तस्वीर और उसकी मुंतकली की सलाहियत भी है जो 1.5 किलोमीटर के फासले पर मिक्सचर्स को लिंक करने के खिलाफ मुजाहिमत भी करती है। इसके अलावा ये ख़तरनाक तरीन बॉर्डर्स में जाकर घुस कर ताबड़तोड़ तस्वीरें बनाकर अपने सेकंड जो उनकी आर्मी होती है उसको भेज सकता है फौरन वाईफाई के ज़रिए। इसके अलावा देखा जाए तो ये यूएवी में मुंतकिल करने के लिए आसीन एक और सख्त R&D काम का मनसूबा है। इसके अलावा देखा जाए ये काम वजन और जिसामत के साथ साथ छलनी हो जाती है, उनको पता लगाना मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात ये मुमकिन नहीं होता, ख़ास तौर पर जब जो दुश्मन आर्मी होती है इस हथियार को निशाना बनाती है, क्योंकि ये उड़ता हुआ हथियार है तो वो ऐसी जगह पर हिट करती है जिससे इसका नामो निशान तक मिट जाता है और जो तस्वीर होती हैं और जो इलाके होते हैं ये हथियार पहले ही कैप्चर करके अपनी जो दोस्त आर्मी होती है उसको फराहम कर देता है। इसके अलावा नैनो यूवीएवी अहम है क्योंकि वो जंग और कार्रवाई के दौरान दूर दराज मकाम तक तेज़ रसाई और निगरानी फराहम करते हैं। इसके अलावा जो अपनी नोयत के मुताबिक दूसरे हथियारे या अहलकारों के लिए ख़तरा नहीं रखते, फजाई हदूद कोऑर्डिनेशन की जरूरत के बगैर ऑपरेशन करने के मौके फराहम करते हैं और ये बहुत कम वक्त में शुरू कर सकता है। अपना जो उसका होता है इस्तेमाल करने में बहुत आसान भी है और यह टूल सर्च ऑपरेशन बांध या हजूम वाले इलाकों में एक्सप्लोरेशन बड़ी रुकावटों के लिए मालियाती तजिया शह की निशानदेही करीबी निगरानी और जराइम की तफ्तीश जैसे काम सर अंजाम दे सकता है। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ मुसलसल कितने दिनों से जारी हैं। DGISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस के देवा सेक्टर में फायरबंदी के खिलाफ वर्जी का पाक फौज ने भरपूर और ताबड़तोड़ जवाब दिया है। मेजर जनरल आसिफ कफूर का कहना है कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय चौकियां तबाह और भारी जान नुकसान हुआ। DGISPR के मुताबिक कैरन या वादी नीलम में फायरिंग का कोई बड़ा वाक्या मौजूद हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जंग बंदी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियों और शहरी आबादी को निशाना बनाने पर भारत से सख्त एहतजाज किया है। बात डिप्टी कमिश्नर को बुलाकर तलब करके DG बराए जनूबी एशिया ने इनके हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की तरफ से सीज फायर खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज करवाया है। दफ्तर खारजा की जानिब से एहतजाजी मुरासले में कहा गया है कि भारतीय काबिज अफवाज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मलिका इलाकों जिंद रूट नेजा पीर चक्सरी सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की और पाकिस्तान और भारत की तरफ से जंग बंदी वायदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। भारतीय फायरिंग के नतीजे में 4 मासूम शहरी भी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा तर्जुमान के मुताबिक कुछ दिन भारतीय फौज ने बक्सा सेक्टर में शहरों की बस को भी निशाना बनाया। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फायरिंग ना सिर्फ सीज फायर समझौते के खिलाफ वर्जी बल्कि अखलाकियात के भी खिलाफ है। LOC पर भारतीय फोर्सेज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। जानबूझ कर शहरी आबादी को निशाना बनाना इंसानी इकदार और आलमी कवानीन के खिलाफ है। भारत की तरफ से सीज फायर खिलाफ वर्जी का सिलसिला 2017 से जारी है और भारत
2003 के समझौते से अमल दरामा यकीनी बनाए। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत की सर्दी अफवाज ने 3 वर्ष बाद कमांडर सतह के मुजाकरात बहाल कर दिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 2 मुलाकातें हुई हैं, जिनसे हालिया मुजाकरात 5 जनवरी को हुए हैं। भारतीय मीडिया ने इंडियन हुकूमत के सीनियर अहदेदारों के हवाले से बताया है कि दोनों मुलाकातों का अहतमाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ, जबकि पहली मुलाकात गुज़िश्ता बरस हुई थी। इससे कबल सेक्टर कमांडर सतह पर मुजाकरात अगस्त 2018 में हुए थे, जबकि डायरेक्टर जनरल की सतह पर मुजाकरात 2017 के बाद से अब तक नहीं हुए। पाक भारत आबी तनाज़ा भी शिदत अख्तियार कर चुका है। पाक भारत आबी तनाज़ा के मामले पर भारतीय आई माहरीन का वफद अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाक भारत आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुजाकरात लाहौर में होंगे। 7 रुकनी भारतीय वफद की यादत पी के सक्सेना करेंगे, जबकि पाकिस्तानी वफद की नुमाइंदगी कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन मैरली शाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में दरियाए सिंध पर 12 मेगावाट का तमाशा बंद बिजली मनसूबे की मंजूरी दे चुका है। भारत की जानिब से 24 मेगावाट का निमोशेलिंग और 25 मेगावाट कारगल बेंडर में तमीर करेगा। ज़राए ने मजीद कहा है कि भारत 19 मेगावाट का मंगदम संगरा और मेगावाट का सनोक और 19 मेगावाट का दरबेक शोक मनसूबा तमीर करेगा। ज़राए के मुताबिक पाक चीन सरहद के करीब पाकिस्तान के अलावा चीन भी इन तमाम मनसूबों को जान चुका है। इसके अलावा हिंदुस्तानी फौज खतरनाक तरीन तोप को चीन और पाकिस्तान की सरहद के नाकाबिल रसाई बाड़ी इलाकों में तैनात करने की तैयारियां कर रही है। इस वक्त इन देशी तोपों की रेजिमेंट यानी 20 तोपें 12 से 16 हज़ार फुट के बाड़ी इलाकों में चीन सरहद पर तैनात हैं, और इसके अलावा ये तोप 38 किलोमीटर रेंज के साथ 12-15 सेकेंड में 3 गोले दाग सकती है। मेक इन इंडिया मैम के एक हिस्से के तौर पर लार्स एंड टोब्रो ने जनूबी कोरिया की एक कंपनी के साथ मिलकर गुजरात के नाजारा प्लांट में 100 यूनिट तैनात किए हैं। वज़ारत दिफा ने इन तोपों के 100 यूनिट्स तामीर कर लिए हैं, और इसकी फरहमी के लिए जनूबी कोरिया की कंपनी के साथ 4500 करोड़ रुपये के वादे पर दस्तखत किए थे। 2700 तोपों का आर्डर असल में पंजाब के मैदानी और नीम सराई इलाकों के लिए था। 10 मुकम्मल तौर पर तैयार तोपें 2018 में फौज में शामिल की गई हैं। इस साल के शुरू में मशरकी लद्दाख में चीन की सरहद के तैनात किए गए 3 के 9 विजर टैंक कामयाब रहे। बाकी 90 टैंकों को पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी लार्स एंड टोब्रो कंपनी ने सूरत के हज़ारा प्लांट में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत तैयार किया। दिफाई इजराइल ने बताया है कि चीन की तरफ से मशरकी लद्दाख की सरहद पर बड़ी तादाद में फौजियों और हथियारों की तैनाती के जवाब में भारत ने चीनी सरहद पर एक रजमन यानी 20 तोपें भी तैनात की हैं। फौज अब पहाड़ी इलाकों में तैनाती के बाद ताबड़तोड़ हमले की भी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुकी हैं।